कुल्लू न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय अर्श रेडीमेड स्टोर। पलाजो सूट, वुलन कुर्ती, वुलन पोंचो व वुलन कोट, बच्चों के नए डिजाइन के कपड़े व महिलाओं के भी हर तरह के सर्दी व गर्मी के डिजाइनर कपड़े यहां पर उपलब्ध हैं। अर्श रेडीमेड लोअर ढालपुर में हर तरह के कपड़े लेने के लिए पधारें, जहां पर कपड़ों पर विशेष छूट दी जाती है। तो आज ही चले आइए इस मौके का फायदा उठाने के लिए ढालपुर में। जिला मुख्यालय कुल्लू में मंगलवार को मुख्यमंत्री ने मल्टीपर्पज भवन का शिलान्यास किया। यह भवन 5.5 करोड़ रुपए से बनेगा। वहीं यहां स्थित डीसी कार्यालय के जीर्णोद्धार की भी आधारशिला रखी गई। इससे पहले भूंतर एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं सहित अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। 10:30 बजे मुख्यमंत्री कुल्लू पहुंचे। शिलान्यास के बाद वह लग वैली के लिए रवाना हुए, जहां दड़का डुबकन सड़क का लोकार्पण करेंगे और बाद में वापस जिला मुख्यालय कुल्लू पहुंचकर अटल सदन का भी लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, सांसद रामस्वरूप शर्मा, विधायक सुरेंद्र शौरी, पूर्व सांसद महेश्वर सिंह आदि भी मौजूद रहे। और जिला मुख्यालय में डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस बहुत पुराने भवन में है, हालांकि ये हेरिटेज बिल्डिंग है। और उस दृष्टि से एक तो आज के परिप्रेक्ष्य में इस भवन को और बड़ा बनाने की आवश्यकता महसूस हो रही थी, क्योंकि स्टाफ भी बड़ा है और भी सारी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अब डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में लोगों का आना जाना जहां होता है, सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। उस दृष्टि से लगभग 6 करोड़ की लागत से हमने एक नए भवन का शिलान्यास किया, जहाँ डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस बनेगा। और साथ साथ में जो पुराना ऑफिस है, इसको रेनोवेट करने के लिए, क्योंकि हेरिटेज बिल्डिंग है, इसको सुरक्षित रखना ये भी हमारी जिम्मेवारी है, तो उसका भी हमने आज उसका जो उसकी रेनोवेशन के लिए जो सारी फॉर्मेलिटीज थी, औपचारिकता थी, उनको भी हमने काम करने के लिए शुरू किया। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए कुल्लू से मोहर सिंह पुजारी की रिपोर्ट।